हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए कोट कपूरे के प्रसिद्ध डोडा बर्फी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार हो जाता है। मैंने इसे बनाया है एकदम ट्रेडिशनल तरीके से और बहुत सारे इसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी ट्राई करना है तो उसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैंने फूड लाइब्रेरी में एक बहुत ही रोचक जानकारी दी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल पर जाके ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज जो हम डोडा बर्फी बना रहे हैं बहुत ही पारंपरिक तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी गेहूँ लिया है और गेहूँ लेने के बाद इसे आपको अच्छी तरह से धोना है। तो इस कटोरी से देखिए मैंने गेहूँ लिया है, अब इसे अच्छी तरह से वॉश करके इसे रात भर हम पानी में भिगो देंगे। रात भर भिगो लेने के बाद पानी को हटा लेना है। तो यहाँ पे देखिए गेहूँ कितने हमारे फूल गए हैं। अब अगला प्रोसेस क्या है, हमें लेना है किचन टॉवल और किचन टॉवल को आप गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से ये देखिए गेहूँ को फैला देंगे। एक्चुअली में हमें गेहूँ को अंकुरित करना है इसीलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने किचन टॉवल में सारा गेहूँ को डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे फोल्ड कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किचन टॉवल गीला होना चाहिए और इसमें सारे गेहूँ डाल के इस तरह से हम पहले इसे मोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे एक प्लेट लिया है और प्लेट के ऊपर एक कटोरी लेंगे, इसमें हम पानी भर देंगे और इस तरह से छेद वाले आपके पास अगर कोई बर्तन हो या कोई प्लास्टिक का भी हो बास्केट तो चल जाएगा, ऐसे रख के इसके ऊपर हम ये जो किचन टॉवल में गेहूँ रखे हैं वो इसमें डाल देंगे और ऊपर से हमें पानी का छींटा डालना है। ये हमें 2 दिन तक करना है, इससे ज़्यादा मत करिएगा। छेद वाला बर्तन इसलिए लिए कि हवा पास होते रहे। 2 दिन हो चुके हैं, अब किचन टॉवल को हटाते हैं और ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये गेहूं अंकुरित हो चुका है और ये बहुत ही हेल्दी है और इसे आप इस तरह डायरेक्टली भी खा सकते हैं, जैसे कि हम स्प्राउटेड मूंग खाते हैं इस तरह से भी आप खा सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे अंकुरित हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मिक्सर का छोटा सा जार लेंगे और इसमें हम जो ये अंकुरित गेहूँ है वो इसमें डाल देंगे। आपको जितने मात्रा में बनाना है उतना आप डालिए, अगर आप डायरेक्टली ऐसे खाना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो इसे हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा पीसना है। तो ये देखिए मैं कुछ इस तरह का इसे पीसी हूँ, देखिए थोड़ा सा दरदरा है और एकदम बारीक हमने नहीं पीसा है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई ले रहे हैं और कढ़ाई में डाल देंगे जो गेहूँ का हमने पेस्ट बनाया था दरदरा, वो इसमें डाल देंगे। डाल देने के बाद अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच दही का और इन दोनों चीज़ को पहले हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम 1 लीटर फुल क्रीम दूध ऐड करेंगे और दूध डालने के बाद तीनों चीज़ को आपको मिक्स कर लेना है। पहले तीनों चीज़ मिक्स हो गए हैं, अब यहाँ पे गैस को मैंने ऑन किया और कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। अब धीरे धीरे करके हम इसे चलाते हैं और पकाते भी हैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे। धीरे धीरे करके इसे चलाते हैं और इसे हमें गाढ़ा करना है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूध हमारा फटा नहीं है तो इसे फाड़ने के लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच पानी एक कटोरी में मिक्स कर लिया और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसे चलाते जाएंगे। जब दूध थोड़ा देखिए यहाँ पे फटने लग जाए तो थोड़ा फ्लेम को मीडियम टू हाई करके इसे हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना है, मतलब जितना क्वांटिटी में है उससे हमें इसे रिड्यूस करना है। चलाते चलाते देखिए क्वांटिटी कितना रिड्यूस हो गया है और थोड़ा थिक भी हो गया है। अब इसमें मैं जो कटोरी से गेहूं लिया था वही कटोरी से आधा कटोरी मैं इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं लेकिन ब्राउन शुगर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। शुगर भी डाल सकते हैं लेकिन जो एक्चुअल टेस्ट होता है वो आपको ब्राउन शुगर से ही आएगा। अब ब्राउन शुगर डालने के बाद इसे वापस पकाते हैं। जब तक हमारा मिश्रण पक रहा है तब तक तैयारी कुछ और कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोका पाउडर लिया है 2 बड़े चम्मच और थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ, रेड फूड कलर, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम मिक्स कर लेंगे, हल्का घोल बना लेना है और इस तरह से जब मिक्स हो जाए तो इसे कर देते हैं साइड।
अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ लिक्विड ग्लूकोज, बहुत आसानी से मार्केट में कोई भी ग्रोसरी के शॉप में आपको मिल जाएगा। तो पहले क्या करिए, आप चम्मच को थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, बहुत ये थिक होता है, जमा होता है, और इस तरह से एक चम्मच हमें लेना है, और हाथ में पानी लगाइए और इस तरह से हटा लीजिए। अब ये देखिए मिश्रण हमारा कितना गाढ़ा हो चुका है, तो इसमें हम एक चम्मच लिक्विड ग्लूकोज डाल देंगे। इससे होता क्या है, आपके मिठाई में बहुत अच्छा शाइन आता है। तो आप देखे होंगे कि बाजार वाला जो डोडा बर्फी होता है बहुत शाइन भी करता है, बहुत स्मूथ होता है, तो ये जो है लिक्विड ग्लूकोज उसी में काम आता है। ये बहुत ज़रूरी टिप्स है, इसको ऐड ज़रूर करिए। अब इसमें धीरे धीरे करके जो हमने कोका पाउडर का घोल बनाया था वो इसमें डाल देंगे। कोका पाउडर डालने से आप देख रहे होंगे कलर कितना चेंज हो गया है। अब इसमें एक चम्मच घी ऐड करेंगे। घी डालने के बाद वापस इसे चलाते हैं, मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखिए गैस को, और इसे थोड़ा और रिड्यूस करिए। तो यहाँ पे देखिए मिश्रण बहुत गाढ़ा हो गया है, एक्स्ट्रा जो भी था पानी वो सब निकल गया है। अब इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट में मैंने यहाँ पे काजू और बादाम लिया है, आप चाहे तो पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। और सभी चीज़ डालने के बाद इसे मिक्स करते हैं, और ये देखिए मिश्रण हमारा रेडी है। और यहाँ पे मैं गैस को बंद कर देती हूँ। आप देख रहे होंगे बहुत पतला भी नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है, तो हमें इसी तरह का मिश्रण रखना है। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो हम एक ट्रे लेंगे, ट्रे के ऊपर बटर पेपर इस तरह से लगा देंगे, और सारे मिश्रण को इस तरह हम फैला देंगे अच्छे से, चारों साइड समान मात्रा में फैलाइए। ऊपर से हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे, और उसके बाद इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर इसे हम फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। 6 से 7 घंटा फ्रिज में रखने के बाद इसे बाहर निकाल लिया है। अब इसमें हम चाकू की सहायता से कट लगाएंगे, तो पीसेस आप अपनी इच्छा अनुसार बड़े छोटे कर सकते हैं। और सभी चीज़ों का मेज़रमेंट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, आप वहाँ जाके चेक करिए और रेसिपी को ट्राई करिए। बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना बहुत आसान है। अगर आप एकदम वाकई बाजार वाला डोडा बर्फी खाना चाहते हैं ना, तो एक बार मेरे कहने पर जरूर ट्राई करिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया दानेदार और शाइन वाला हमारा डोडा बर्फी बनके तैयार हुआ है। रेसिपी अगर अच्छी लगी फ्रेंड तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, अपने फैमिली मेम्बर में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस रेसिपी को शेयर करिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर इसी तरह नई नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड।